शिवपुरी करेरा में नवनिर्मित न्यायालय भवन का लोकार्पण समापन हुआ। व्यक्ति को समय के अनुसार बदलना चाहिए। डीजे सोनी। नवनिर्मित न्यायालय भवन सिविल न्यायालय करेरा शिवपुरी के भव्य भवन का लोकार्पण माननीय न्यायमूर्ति रवि मलिमठ मुख्य न्यायाधिपति उच्च न्यायालय जबलपुर मध्य प्रदेश के कर कमलों द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के पोर्टफोलियो न्यायाधिपति जिला शिवपुरी उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खंडपीठ ग्वालियर की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। नवीन न्यायालय भवन सर्व सुविधा युक्त होने के साथ ही महिला व पुरुषों की सभी सुविधाओं का विशेष ध्यान दिया गया है। इस अवसर पर राजेंद्र प्रसाद सोनी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी विवेक शर्मा श्रीमती वंदना जैन अमित कुमार गुप्ता सज्जन सिंह सिसोदिया जितेंद्र मेहर डी एस सोनी संदीप प्रदीप कुशवाहा श्रीकृष्ण बुखारिया श्रीमती कमला गौतम सुश्री मोनिका यादव अधिवक्ता संघ करेरा के अध्यक्ष महेंद्र सिंह सिकरवार सचिन राम नरेश तिवारी तहसीलदार कल्पना शर्मा नगर निरीक्षक सुरेश कुमार शर्मा सहित सभी अधिकारी उपस्थित रहे। संजय गुप्ता की रिपोर्ट। दिया इसका जुडिशरी का फंड बना और फिर जुडिशरी के लिए नई नई बिल्डिंगें नए स्टाफ नई मशीनरी सब उपलब्ध कराई गई ताकि हम समय के साथ काम करते हुए न्याय क्षेत्र में अपना अच्छा योगदान कर सकें। आज हम पूरी तरह से हमारा सिस्टम कंप्यूटराइज हो चुका है और हम इसके आगे पेपरलेस कोर्ट की भी बात कर रहे हैं। हम इससे आगे चलकर पेपरलेस कोर्ट की बात कर रहे हैं तो समय के साथ साथ पूरी तरह से न्यायपालिका भी अपने को बदलने का प्रयास कर रही है और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय जबलपुर द्वारा जो हमें एक स्कीम दी गई 25 केसेस के डिस्पोजल की या 100 केसेस के पूरे साल भर के डिस्पोजल की, मैं समझता हूँ कि पिछले दो सालों में काफ़ी ओल्ड केसेस चाहे वो कंटेस्टेड हो, चाहे वो अनकंटेस्टेड हो, उनका बहुत ही त्वरित दिन से निराकरण हुआ है। हम अगर पुराने ही मामले में उलझे रहेंगे तो नए मामले हमारे पास तो आएंगे नहीं और नए मामले फिर कौन निपटाएगा? ये समाज में बैठे बिचौलिया, ये समाज में बैठे ठेकेदार, ये अपने बाहुबल से मामले को निपटाएंगे, फिर उसमें कोई न्यायपालिका कोई भी चीज़ें काम नहीं आती, कोई भी अधिवक्ता काम नहीं आता। ये न्यायपालिका ये जज ये अधिवक्ता तभी काम आते हैं जब हम केसेस का समय से निराकरण करें, पक्षकारों में विश्वास हो कि हमारा केस अगर पेश हुआ है तो एक साल के अंदर हमें यस आर नो फैसला मिल जाएगा, हम ऊपर जाके अगली कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन केस एक बार पेश करने पर अगर 8 साल इसी चल रहा है तो 4 साल अपील में चलेगा, फिर माननीय चुनाव में पता चलेगा क्या उसकी स्थिति हुई, तो इसमें बिचौलियों की संख्या बढ़ जाती है और वो सक्रिय हो जाते हैं और सिस्टम से लोगों का विश्वास खत्म होने लगता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सिस्टम के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, कि हम सिस्टम के साथ चलें, केसेस का शीघ्र सुगम त्वरित निराकरण कराएं ताकि हमारे और आप में पक्षकारों का विश्वास बना रहे। इसी की कड़ी में आज करा न्यायालय परिसर में एक सुंदर भवन का लोकार्पण हुआ है। हमें एक स्वस्थ जगह पर स्वस्थ माहौल बनाते हुए स्वस्थ मस्तिष्क से काम करेंगे, हमारी भी गरिमा बढ़ेगी, जजेस की भी गरिमा बढ़ेगी। पक्षकार आते हैं देखते हैं उनके साथ कहाँ बैठे हुए हैं, एक टपरी में बैठे हुए पड़े हुए हैं, जज साहब कहाँ बैठे हैं, अरे वो तो पानी टपक रहा है, कैसे क्या है। इससे सिस्टम पसंद है, हमारा आपका मान सम्मान तभी है जब हम अच्छे से हैं, अच्छे से काम करें, तभी पक्षकार के अंदर भी भावना उत्पन्न होती है कि हमारे वकील साहब न्यायपालिका हमारी अच्छी है और हमें न्याय मिलेगा। तो काम के साथ साथ कहते हैं ना, भिखारी अगर भेष न बदले तो कोई रुपया भी ना दे, तो लिहाजा हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम स्वस्थ माहौल में अच्छे परिवेश में काम करें। समय हमारा है, निश्चित है आज केसेस की संख्या कम नहीं हो रही है और ऐसा कभी नहीं हुआ कि न्यायपालिका में आज पहले यहाँ पर पहले
एक दो कोर्ट रही होगी, आज यहाँ 6 कोर्ट काम कर रही है। तो केसेस कभी कम नहीं होने हैं, आस्था उनकी न्यायपालिका में बस बनी रहनी चाहिए, इसी विश्वास के साथ।